कश्मीर घाटी में लगातार 3 दिन से बर्फबारी हो रही है। आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कई कई जगहों पे बर्फ़ 2-2 फीट तक जो है जमा हो चुकी है। श्रीनगर शहर में जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पे भी लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली में परेशानी है, कनेक्टिविटी में परेशानी है और बाकी सारी चीज़ों में भी दुश्वारियाँ हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग यहाँ टूरिज्म के लिए आए थे, जो टूरिस्ट आए थे, खासकर वो लोग जो न्यू ईयर्स के लिए आए थे और अभी भी कश्मीर में हैं, वो इस मौसम का भरपूर मज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मेट डिपार्टमेंट की बात करें तो मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि आज दिन तक मौसम इसी तरीके के का रहने की आशंका है और आज आज शाम से थोड़ी बहुत राहत मिलती नज़र आएगी। तो जहाँ एक तरफ थोड़ा बहुत टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर ये मौसम लेके आया है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग जो हैं वो परेशानियों का सामना करते दिख रहे हैं। शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। और अब श्रीनगर में ही बर्फबारी की कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें दरअसल कल की हैं और देख सकते हैं आप कैसे चप्पा चप्पा इस वक्त बर्फ से ढका हुआ है। टूरिस्ट के लिए ऐसी बर्फबारी हुई है कि मौज मस्ती का आनंद और ज्यादा हो गया है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब है। बर्फबारी से पानी की दिक्कत हो गई है, कई जगहों पर पाइपलाइन जाम हो गई है, बिजली की दिक्कत है, कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर घंटों से बिजली नहीं आ रही है, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जबकि बिजली से जुड़े अन्य उपकरण भी बंद पड़ गए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है, घाटी का सड़क संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है, जरूरी सामान की किल्लत की शिकायतें भी मिल रही हैं। हालात को देखते हुए श्रीनगर में स्थानीय प्रशासन ने पेट्रोल डीजल की रैशनिंग का ऐलान किया है। बस, ट्रक और व्यावसायिक वाहनों को 20 लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा, जबकि प्राइवेट वाहनों को केवल 10 लीटर दिया जाएगा। बर्फबारी के बीच जूझती जिंदगी कैसे आप देख सकते हैं, वहां के स्थानीय लोग इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं क्योंकि सड़क कहीं दिखाई नहीं दे रही है, सड़क ढक चुकी है पूरी तरीके से बर्फ से, लगातार हो रही बर्फबारी से बिजली संपर्क कट गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी बंद पड़ चुका है, कई जगह ऐसी हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर घंटों से बिजली नहीं आ रही है, पानी की सप्लाई बंद पड़ चुकी है क्योंकि पाइपलाइन में पानी जम गया है। ये श्रीनगर की तस्वीरें दरअसल बयां कर रही हैं वहां के रोजमर्रा के जीवन की हकीकत। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी बर्फबारी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बिजली की प्रॉब्लम हो गई है और बिजली की वजह से पानी भी नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम भी बहुत लोग फेस कर रहे हैं और रोड्स वगैरह सभी बंद पड़े हैं, तो बहुत सफ़र कर रहे हैं लोग यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बर्फबारी होगी, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी ज़्यादा बर्फबारी होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे कई दिनों से जो इलेक्ट्रिसिटी आई ही नहीं, तो सारे जो मोबाइल डिवाइसेस एक्स्ट्रा सारे बंद पड़े हुए हैं, और दूसरी प्रॉब्लम है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्रॉब्लम, रोड्स वगैरह भी अच्छे से नहीं है अभी, और तीसरी प्रॉब्लम जो है जो हीटिंग वगैरह। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।